हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। व्यापम घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, पटवारी परीक्षा धांधली, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और अब नीट परीक्षा में हुए धांधली पर एनएसयूआई रीवा द्वारा आज डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के घर का घेराव करने निकले, लेकिन पहले से मुस्तैद भारी पुलिस बल ने उनके मंसूबों में पानी फेर दिया। कॉलेज चौराहे से पैदल निकले हजारों छात्रों को आधे रास्ते पर ही बैरिकेड कर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया और पुलिस से झुमाझटकी की। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब छात्र इतने में भी शांत नहीं हुए तो लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद छात्रों की भीड़ इतर वितर हुई। इस दौरान छात्र सहित कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। करीब एक दर्जन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र नेता पंकज उपाध्याय ने कहा कि छात्र लगातार परेशान है। परीक्षा में हुई धांधली से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है। नर्सिंग छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के भविष्य को बचाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने एनएसयूआई डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक कर लाठी चार्ज किया। आज आप लोग घेराव करने जा रही थी, आप लोग पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर छोड़ा गया। यस सर हम लोग 2022 पीएनएसटी को रिजल्ट के लिए डिप्टी सीएम सर के पास मांग रखने जा रहे थे कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग डिप्टी सीएम सर के पास 10 बार जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। बस हमें आश्वासन दिया जाता है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा, और हम डीएचएस डीएमई मुख्यमंत्री सर को लेटर स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा सर। और डिप्टी सीएम सर के पास हम लोग जा रहे थे अपनी मांग रखने के लिए, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनिंग किया। उसमें सारे स्टूडेंट परेशान हैं। आखिर डिप्टी सीएम सर चाहते क्या है? हमारे पास में होके डिप्टी सीएम सर हमारे रीवा क्षेत्र के होके, बिंद क्षेत्र के होके, हमारे नर्सिंग कॉलेज की मान्यता चली गई है मेडिकल कॉलेज की, तो अब क्या करें सर? ऐसे में हम लोग एक एक साल से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जबकि हमारे रिजल्ट में कोई घोटाला नहीं है। नर्सिंग घोटाला अलग चीज़ है, लेकिन हमारे रिजल्ट में ना तो कोई स्कैम हुआ, ना तो कोई पेपर लीक हुआ, फिर भी इन लोग हमारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बस हम लोग अपने रिजल्ट की मांग लेके सर के पास जा रहे थे, तो ऐसे में लाठी चार्ज होता है सर, और उसके बाद हम लोग क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों किया? आप लोग कुछ गाइडलाइन के बाहर काम कर रहे थे? नहीं सर, हम लोग तो सूचना दी गई थी सर, एनएसयूआई वाले दिए थे, हम लोग तो बस उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो हमने तो कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनिंग किया सर। एनएसयूआई के बैनर तले आप लोग घेराव करने जा रहे हैं? हाँ, हम लोग उन्हीं के उसमें जा रहे थे अकॉर्डिंग में। क्या मांगे क्या थी सर? हमारी मांगे थी कि हमारा पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट जारी किया जाए। उसके अलावा सर मेरी कोई मांग नहीं है, और सर एक साल से रिजल्ट रुका हुआ है हमारा। अभी आप लोग कितने छात्र छात्राएं थे? 66,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया था, तो सारी बच्चियां पेपर मतलब रिजल्ट का वेट कर रही हैं, और रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। आपके साथ में जो छात्र थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, लाठी चार्ज भी हुआ, गिरफ्तार भी कर लिया? हाँ सर, गिरफ्तार करके ले गए हैं। आगे आप लोग हम लोग आगे सर, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग डिप्टी सीएम सर के घर में जाके सारी बच्चियां सुसाइड करेंगे, क्योंकि हम उनके घर में 10 बार जा चुके हैं सर। हम कुछ नहीं करेंगे अब, क्योंकि सर हम डीएचएस ऑफिस गए, डीएमई ऑफिस गए, मुख्यमंत्री सर को स्पीड पोस्ट किया सर, हम लोग वहां जाके प्रधानमंत्री को लेटर स्पीड पोस्ट किया। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी इतने अमीर आदमी नहीं है। हम उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ाना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। इतना मेहनत करके बेचारे हम लोग को पढ़ाए, फिर भी हम लोग कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और रिजल्ट नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारी बच्चियां उनके घर में जाके सुसाइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास के हैं सर। बताइए हम क्या करें, हम इतना परेशान हो चुके हैं, इतना डिप्रेशन। मेरा नाम गरिमा पांडे है। धांधली हुई है, इस मामले को लेकर विषय था जो एनएसयूआई का विरोध का विषय ये था, उसके संबंध प्रदर्शन किया जा रहा था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था जमाई गई थी, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसीलिए कुछ लोगों को सामान्य बल प्रयोग किया गया और गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं के ऊपर भी लाठीचार्ज? नहीं, छात्राओं के ऊपर छात्राएं आगे नहीं थी। जो शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे थे, बैरिकेड्स वगैरह को, उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया है, बाकी और किसी पर बल प्रयोग नहीं किया गया है। छात्र गिरफ्तार किए गए हैं, ज़्यादा छात्र हैं।